नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे गल्फ देशों के बारे में। जी हाँ भाई, जिसमें दुबई, कतर, मस्कत, बहरीन और कुवैत, जी हाँ ओमान, बहरीन वगैरह सब जो 6 कंट्री हैं उसके बारे में बात करेंगे। फ्लाइट के बारे में बात करेंगे, फ्लाइटों की प्राइस, यानी इंडिया से अगर आप जाते हैं तो टिकटों के कितने भाव चल रहे हैं, कितना पैसा लग रहा है लगभग में, और कौन कौन सी गाइडलाइन इन देशों में आई हैं और आने वाली भी हैं भविष्य में, क्योंकि आपको पता है ओमिक्रॉन बढ़िया तरीके से बढ़ रहा है, इंडिया में भी बढ़ रहा है और लगभग 113 कंट्रियों में ये फैल चुका है, जिसमें कोई भी देश अछूता नहीं है कि उस देश में आप जा रहे हैं वहाँ पर ओमिक्रॉन के मामले नहीं हो। जी हाँ, इससे रिलेटेड बात करेंगे। अगर आप दुबई, कतर, मस्कत, बहरीन, कुवैत, ओमान वगैरह कोई भी कंट्री में जाना चाह रहे हैं तो कुछ सावधानी आपको बरतनी होगी, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। फ्लाइट के टिकटों के बारे में भी हम बात करेंगे। वीडियो पूरा देखिए, अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखिए ताकि हर रोज आपको विदेश से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले अगर बात करें दुबई की, यूएई की बात कर लेते हैं, क्योंकि भाई यूएई सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा लोग यूएई में जाते हैं, इसलिए यूएई की अगर बात करें तो यूएई ने हालांकि ऐसी कोई अभी अपडेट नहीं आई है, क्योंकि अभी शुरुआत है और काफ़ी टाइम से यूएई चल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं यूएई में। नॉर्मल तरीके से दोनों डोज आपके पास हैं, 48 घंटे का आपके पास वो टेस्ट वाला रिपोर्ट और रैपिड टेस्ट होनी चाहिए, आराम से आप निकल जाते हैं। हालांकि अबू धाबी ने लोकल जो दुबई में से लोग जाते हैं उनके लिए अलग से ट्रैकर सिस्टम है वो लागू किया है, जो यूएई में है उन सबको आप लोगों को पता होगा। तो यूएई का इतना कोई खास तौर से कोई अपडेट नहीं है, बाकी नॉर्मल तरीके से ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन कोई पता नहीं लगता भाई कब ये अपडेट चेंज हो जाए, क्या हो जाए, कुछ कह नहीं सकते। आगे अगर बात करें कुवैत के बारे में, जी हाँ कुवैत की फ्लाइटें आपको पता है फ्लाइटें स्टार्ट हो चुकी हैं, इंडिया से भी डायरेक्ट फ्लाइटें स्टार्ट हो गई हैं काफ़ी समय से, लगभग बता दूं 1.5 साल से 53 कंट्रीज़ को बैन करके रखा था, कितनी 53 कंट्रियों को बैन करके रखा था जिनमें इंडिया भी शामिल था। जी हाँ, इसकी वजह से बहुत सारे लोगों का वीज़ा कैंसिल हो गए, जॉब चली गई, सब कुछ बर्बाद हो गए। हालांकि अभी ठीक है, फ्लाइटें भी स्टार्ट हो चुकी हैं, वीज़ा भी दोबारा से वर्क परमिट मिलना स्टार्ट हो चुके हैं। अगर कुवैत की बात करें तो वो इसलिए मैं बता रहा हूं कि मेरे पास जितने भी मैन पावर ऑफिस एजेंट हैं, जो ऑफिसें हैं, उनके मैसेज आते रहते हैं, इसलिए मैं पुख्ता रिपोर्ट के आधार पर बता रहा हूं। इंडिया में इंटरव्यू भी चल रहा है, वर्क परमिट भी मिल रहे हैं, लेकिन सावधानी बरतनी है कि कोई फेक आपको न दे दे। जी हाँ, अब बात करें फ्लाइटों के बारे में, तो भाई फ्लाइट देखिए जाने का तरीका नॉर्मल तरीका है, कोई ज्यादा है नहीं। पीसीआर टेस्ट आपके पास होनी चाहिए, जी हाँ दोनों डोज लगी हुई आपके पास होनी चाहिए, पीसीआर टेस्ट आपके पास होनी चाहिए, डोज लगी हुई होनी आपको जरूरी है। अगर दो डोज लगी हैं तो आपको 3 दिन होम क्वारंटाइन रखना होगा, अगर आपको 1 डोज लगी है तो आपको 10 दिन तक होम क्वारंटाइन किया जाएगा। जी हाँ, 48 घंटे का पीसीआर टेस्ट इसमें बताया गया, कुवैत वाले के लिए 48 घंटे का ही पीसीआर टेस्ट मान्य होगा। जब आप टिकट बनाते हैं तो 1-2 दिन पहले आपको वो टेस्ट आपको करवाना होगा। जी हाँ, एक अपडेट यह है कि 9 माह पहले जिन्होंने 2 डोज ले ली थी उनको बूस्टर डोज की व्यवस्था की गई है, जो एयरपोर्ट पे भी मिल जाएगी आपको। जी हाँ, तो इसमें ज्यादा कोई घबराने की ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। ओमिक्रॉन की वजह से कुछ सख्ताइयां वापस होने वाली हैं, नो डाउट, जो आगे आने वाले समय में जनवरी में आपको देखने को मिल जाएगा, फरवरी तो लास्ट है नो डाउट। जी हाँ, अभी अगर बात करें सऊदी अरबिया की, तो सऊदी अरबिया की भी भाई फ्लाइटें चालू हो गई, आप सबको पता ही है, और वीजा भी चालू हो चुके हैं, और फ्लाइटें नॉर्मल तरीके से अगर आप जाते हैं तो आप आसानी से फ्लाइट, आपको जैसे इधर की बात करें उत्तरी भारत में, तो दिल्ली से लगभग फ्लाइटें जा रही हैं, जयपुर से तो बहुत कम है या बहुत ज्यादा महंगी है तो इतना नहीं है, लेकिन दिल्ली से फ्लाइटें आपको मिल जाएगी। सेम कंडीशन ही है भाई, दोनों डोज लगी हुई आपके पास होनी चाहिए, उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, पीसीआर रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए, बाकी जो भी डॉक्यूमेंट अपडेट होते रहते हैं समय समय पर, जाने से पहले जहां से टिकट बनाओगे वहीं से कंफर्म हो जाएगी। जो आपका टिकट बनाएगा ना, अच्छा ऑप्शन ये है कि जहां से टिकट बनवाते हो वहां से कंफर्म कर लीजिए, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए, वो एयरपोर्ट पे दिक्कत नहीं हो और आपको वापस आने की कोई परेशानी ना उठानी पड़े। जी हाँ, ओमान की बात करें तो भाई ओमान ने भी 72 घंटे का आपको पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट होनी चाहिए, जो आप डोज लगवाई है उनका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए दोनों डोज का, उनको ऑनलाइन अपलोड करना पड़ेगा। जी हाँ, उनका ओमान सरकार ने जो ऐप जारी किया है उसके ऊपर आपको दोनों जो भी प्रोसेस है वो पूरा ऑनलाइन अपलोड करना पड़ेगा, और सिंपल सी बात है यार, जहाँ से टिकट बनवाते हो वहीं से ये प्रोसेस आप करवा सकते हो, आपके लिए अच्छा होगा। कतर की बात करें तो कतर ने भी भाई पहले बीच में ठीक था,
अभी भी जो नए लोग जा रहे हैं उनके लिए 2 दिन का क्वारंटाइन वाला ऑप्शन रखा है, हो सकता है जब तक वीडियो देखें वो हटा भी दें, उसको कह नहीं सकते। फिलहाल की कंडीशन में 2 दिन का आपको होटल क्वारंटाइन वाला ऑप्शन रखा गया है अगर आप इंडिया से कतर जाते हैं तो। बाकी सेम है, आपको जो कोरोना की रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए, टेस्ट रिपोर्ट होनी चाहिए, दोनों डोज लगी हुई होनी चाहिए। सेम प्रोसेस बहरीन का भी सेम ही है भाई, रिपोर्ट वगैरह वो भी आपको पता है हर कंट्री मांगती है भाई, PCR टेस्ट भी सब मांगते हैं, सर्टिफिकेट भी सब मांगते हैं। कई कंट्रियाँ उनको बोलती हैं ऑनलाइन आप अपलोड करिए, कई जैसे आप चल जाता है, जैसे दुबई में लोग सीधे जा रहे हैं चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, अप्रूवल लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सेम है, बाकी आप ये अपडेट कब चेंज हो जाएँ, कब कैंसिल हो जाएँ, कौन सा अपडेट जारी हो जाए ये हम कह नहीं सकते। अभी टिकटों की बात करें फ्लाइटों के बारे में, तो भाई जैसे अगर आप मान लीजिए इंडिया से दुबई जा रहे हैं तो पहले टिकटें थोड़ा सस्ती हो गई थी, लेकिन ये ओमिक्रॉन की वजह से टिकटें थोड़ा सा भाव बढ़ चुका है। एवरेज अगर देखा जाए तो 25-30 हज़ार में आपको UAE से दिल्ली से दुबई आबू धाबी के लिए टिकट मिल सकती है। ये जस्ट एक एवरेज बता रहा हूँ, उसमें ऊपर नीचे भी हो सकता है। जी हाँ, अगर आप UAE से इंडिया आते हैं तो ये टिकट आधे से भी कम पैसे में मिल जाएगी, ये स्थिति है। जी हाँ, कुवैत की बात करें तो भाई कुवैत की टिकटें पहले तो बहुत महंगी हुआ करती थी, 1 लाख प्लस। अगर अभी आप दिल्ली से जैसे कुवैत जाते हैं तो 50-60 हज़ार के समथिंग आपको टिकट मिल सकती है। जी हाँ, सऊदी की बात करें तो भाई सऊदीया की टिकट अभी भी महंगी चल रही हैं, लगभग 70 हज़ार के समथिंग सऊदी की टिकट दिल्ली से सऊदीया के लिए हैं। इसमें ऊपर नीचे हो सकता है, वो समय के हिसाब से टिकटें ऊपर नीचे हो जाती हैं। और अगर कतर की बात करें तो सबसे सस्ती अगर बात देखा जाए तो कतर की टिकटें हैं, 10-12 हज़ार में आप दिल्ली से कतर पहुंच सकते हैं, सबसे सस्ती टिकट है अभी अगर बात करें गल्फ देशों में। जी हाँ, ओमान की अगर बात करें, दिल्ली से ओमान सलाला जा रहे हैं तो 40 हज़ार प्लस टिकट आपको मिलेगी। जी हाँ, समथिंग बता रहा हूँ लगभग में। बहरीन की भी सेम है भैया, 40-42 हज़ार के समथिंग टिकटों के भाव आ रहे हैं। तो ये 6 कंट्रियाँ हैं, ये 6ों के मैंने टिकट के भाव लगभग में बताया, कोई श्योरिटी नहीं है, ऊपर नीचे हो सकता है। जैसे आप 1 महीने आगे बनवाते हैं तो वो टिकट बहुत कम पैसे में आ जाएगी। और जैसे जनवरी में देखते हैं अभी क्या रिपोर्ट, ओमिक्रॉन की वजह से टिकटों के भाव बढ़े हैं ये आप मान के चलिए। दुबई में तो वैसे भी भाई ओमिक्रॉन कुछ और कुछ एक्सपो की वजह से भीड़ बढ़ गई थी, इस वजह से टिकटों के भाव बढ़ चुके थे। जी हाँ, बाकी गल्फ देशों में अभी तक ठीक है, अभी ओमिक्रॉन का इतना प्रभाव है नहीं। ओमिक्रॉन से रिलेटेड हम आगे और वीडियो बनाएंगे तो उसमें आप ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। हालांकि वे ने कई देशों की फ़्लाइटें अभी भी बैन कर दी हैं, कल की डेट में 4 देशों की फ़्लाइटें उन्होंने बैन की थी। बाकी देखिए, इंडिया की फ़्लाइटें बंद होने के चांसेस अभी नहीं हैं, क्योंकि बहुत बड़ी कंट्री है और उसमें इतने सारे केस, मामूली सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि ये केस जो जितने इंडिया में आ रहे हैं ना, उससे वो बहुत सारे ऐसे देश हैं जो इंडिया के सामने 90 गुना छोटे देश हैं, उनमें भी इंडिया से ज़्यादा केस आ रहे, तो उनकी फ़्लाइटें बंद नहीं है। तो इंडिया की फ़्लाइटें बंद होने के अभी कोई आसार है नहीं, और उम्मीद लगता है, उम्मीद यह है कि होंगी भी नहीं फ़्लाइटें, क्योंकि भाई सभी देशों ने सब तामझाम करके देख लिया है। इसका उपाय डोज लीजिए, क्वारंटाइन, टेस्ट वगैरह, बस ये इसी पे सिस्टम पूरा चलता रहेगा। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।